गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू आर सो वेरी फाइन। सो स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट चैप्टर 4 एंड चैप्टर नेम दिस मोर अबाउट द कीबोर्ड। ओके, आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है मोर अबाउट द कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे, है ना। मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में बताया कि कीबोर्ड्स की हेल्प से हम टाइप कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। उसमें बहुत तरह के सिंबल्स होते हैं, कीज़ होती हैं। तो आज हम कीज़ के बारे में बात करेंगे और कीबोर्ड के बारे में। ओके, दिस इज़ अ कीबोर्ड। यहाँ एक कीबोर्ड है। ए कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इट हैज़ स्मॉल बटन। यह छोटा है। इसमें क्या है, यहाँ छोटा है और इसमें छोटी छोटी बटने हैं। दीज बटन आर कार्ड कीज। और ये सारी बटनों को हम क्या बोलते हैं, कीज़ बोलते हैं। अबाउट द कीबोर्ड, ओके, इससे पहले एक बार ये देख लीजिए। दिस इज़ अ कीबोर्ड। ए कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। इट हैज़ अ स्मॉल बटन्स। दीज बटन्स आर कार्ड कीज़। यहाँ एक कीबोर्ड है, ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि हम जो भी टाइप करते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ पे आती, अंदर जाती है, इन होती है ना। कीबोर्ड से बाहर तो आती नहीं, सारी चीज़ें इन होके मॉनिटर पे शो होती है। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसमें बहुत छोटी छोटी बटने होती हैं और सारी बटन्स को हम क्या बोलते हैं, दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज़। ओके, अबाउट द कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में। ए कीबोर्ड लुक लाइक अ टाइपराइटर। एक कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह दिखता है। विच कंटेन्स की टू फीड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर में जानकारी फीड करने की क्या है, जहाँ हम इससे कंप्यूटर में जानकारी हम फीड करते हैं। दी कीज़ ऑन कंप्यूटर। कीबोर्ड्स आर ऑफ्टन क्लासीफाइड एज फॉलोज। कंप्यूटर कीबोर्ड की चाबी के आवश्यकता अनुसार कुछ क्लासीफाइड मीन्स होता है वर्गीकृत, मतलब और भी चीज़ें उसके बारे में जानने के, तो ये चीज़ें नीचे दी गई हैं। लेटर्स एंड सिंबल्स, है ना, संख्या और शब्द। स्पेशल कीज़, फंक्शन कीज़, कंट्रोल कीज़, एरो कीज़, कैप्स लॉक की एंड सो विशेष कुंजियाँ, फंक्शन कुंजियाँ। की मीन्स होता है कुंजी कह लीजिए, या चाबी कह लीजिए, या आप कीज़ भी बोल सकते हैं। कीज़ इंग्लिश वर्ड है एंड हिंदी में हम चाबी कुंजी बोल सकते हैं। ओके, और एरोस कीज़, मतलब एरो मीन्स तीर होता है। कैप्स लॉक कीज़, ओके। फिर देखिए, जनरली कीबोर्ड्स आर अवेलेबल इनटू टू मॉडल्स। जनरली कीबोर्ड्स आर अवेलेबल इनटू टू मॉडल्स, ओके। ज़्यादातर आम तौर पर कीबोर्ड दो मॉडलों में उपलब्ध होता है। दो मॉडल्स आते हैं कीबोर्ड में। द स्टैंडर्ड मॉडल विथ 83-84 कीज एंड 104 कीज और मोर। 83 जो दो मॉडल आते हैं उसमें 83-84 कीज होते हैं, या और भी अधिक कीज होते हैं। मैंने जैसे बताया 100 या 104 कीज आपके कीबोर्ड में रहते हैं। 100 या 4 कीज़ आपके कीबोर्ड में रहते हैं, 104 कीज़, ओके। तो हमारा फर्स्ट कीज़ है अल्फ़ाबेटिक की। दीज की आर यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट। इन कीज़ का उपयोग वर्णमाला टाइप करने के लिए किया जाता है। दीज की आर फ्रॉम ए टू जेड बट नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, ओके। ये कीज़ ए से जेड तक है लेकिन सही क्रम में नहीं है। मतलब जैसे अल्फ़ाबेट कीज़ क्या है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आता है ना, बट इसमें जो है अल्फ़ाबेट वो क्या है, सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, एक करेक्ट में नहीं है। इस ये कैसी है, इन इसको क्या है, आगे पीछे किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, ये
कीबोर्ड में आपका जो अल्फ़ाबेट है वो क्यू से स्टार्ट हुआ है, ओके, ये सीक्वेंस में क्रम में नहीं है। वी राइट लेटर एंड वर्ड्स विद देयर हेल्प, हम अक्षरों और शब्दों के साथ लिखते हैं इनकी मदद से, है ना। दीज कीज आर यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट, इन कीज का उपयोग वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट को टाइप करने के लिए किया जाता है, अल्फ़ाबेट को टाइप करने के लिए किया जाता है। ये कीज सीक्वेंस में नहीं है, ए से जेड तक नहीं है। हम अक्षरों और शब्दों का उपयोग इस करते हैं इसको लिखने में, समझ में बात आई। जैसे वर्णमाला में क्या आता है, हिंदी में अगर आप वर्णमाला कहेंगे तो छोटा बड़ा आ छोटी, और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई, तो इससे हम वो चीज़ें भी लिख सकते हैं, समझ में बात आ रही है। फिर है नंबर कीज, दीज कीज आर यूज्ड फॉर एंटरिंग नंबर्स, इन कीज का उपयोग संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है। नंबर कीज 0 to 9 आर लोकेटेड एट टू प्लेसेस ऑन कीबोर्ड, नंबर कीज 0 से 9 एक कीबोर्ड पर दो स्थानों पर स्थित है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कीबोर्ड में नंबर कीज दो जगह होती हैं, एक आपके लेफ्ट साइड में, एक आपके राइट साइड में। तो देखिए एक क्या है आपके राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में है, ओके बेटा, एक आपके लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है, ओके ओके। यू वांट टू राइट 10 प्रेस 1 एंड देन 0, यदि आप 10 लिखना चाहते हैं तो 1 और फिर 0 को आपको दबाना होगा। यहाँ पे नंबर कीज 0 से 9 तक दी गई है, आप अगर आपको 10 लिखना है 20 लिखना है तो आप 2 प्रेस करेंगे फिर 0 प्रेस करेंगे, ऐसे हम बहुत सारी डिजिट बना सकते हैं, समझ में बात आई। और कीबोर्ड में दो जगह नंबर कीज दी रहती है। फिर देखिए फंक्शन कीज, देयर आर 12 फंक्शन कीज ऑन अ कीबोर्ड, एक कीबोर्ड पर 12 फंक्शन कीज होती हैं। दीज कीज हैव डिफरेंट फंक्शंस, इन कीज का अलग अलग कार्य है, इन कीज का अलग अलग तरीके से इनका काम है, इनका वर्क है। दीज कीज आर मार्क्ड फ्रॉम F1 to F12, इन कीज़ को मार्क्ड किया गया है, मतलब मार्क मीन्स उस पर निशान लगाया गया है, चिन्ह बनाया गया है, किस चीज़ का, F का, F से लेकर F12 तक, F1 है, F2 है, इसके भी बहुत सारे वर्क हैं, है। कीबोर्ड में जो कीज दिए रहते हैं उनके अलग अलग तरह के वर्क हैं, जैसे आपने अल्फ़ाबेट देखा, न्यूमेरिक कीज देखा, फंक्शन कीज है, तो सबके अलग अलग काम दिए गए हैं, ओके। अब देखिए है देयर आर टू एंटर कीज ऑन अ कीबोर्ड, ओके, देयर आर टू एंटर कीज ऑन अ कीबोर्ड, एक कीबोर्ड पर दो एंटर कीज होता है। द एंटर कीज इज यूज टू जंप टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, जंप टू द नेक्स्ट लाइन। एंटर कीज का यूज हम दूसरे, है ना, दूसरे पेज में, अगले पेज में जाने के लिए, जंप मीन्स कूदने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक पेज फिल हो जाता है तो हम दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं, वैसे ये एंटर की है। अगर आपकी एक लाइन फिल हो जाती है तो आप एंटर की प्रेस करेंगे और नेक्स्ट लाइन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे नंबर की दो जगह दी जाती है वैसे ही कीबोर्ड में एंटर की दो जगह रहती है, ओके, एंटर की भी आपकी दो जगह रहती है, समझ में बात आ रही है ना। फिर देखिए स्पेस बार की, दिस इज द स्पेस बार की, ये स्पेस बार क्या है, ये स्पेस बार की है। इट इज़ यूज टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू, यहाँ इसका उपयोग हम दो अक्षरों संख्याओं या शब्दों के बीच में रिक्त स्थान देने के लिए करते हैं, मतलब खाली जगह छोड़ने के लिए करते हैं। दीज की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये कीबोर्ड की सबसे लंबी कीज है, ये क्या है, ये स्पेस बार कीज है, ये रही आपकी स्पेस बार कीज। इसका यूज़ हम
आपका नंबर्स हो गया, लेटर्स हो गया, वर्ड्स हो गया, उनके बीच में हम दूरी करने के लिए, खाली जगह करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और कीबोर्ड में ये सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी आपकी स्पेस बार की है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये दूरी की गई है, तो ये क्या है, आपकी लॉन्गेस्ट की है। ओके ओके बच्चों, उसके बाद देखिए एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। ए कीबोर्ड हैज स्मॉल बटन कार्ड, जो छोटी छोटी बटने होती उनको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। दी की यूज टू टाइप अल्फाबेट्स आर कार्ड, जो टाइप की अल्फाबेट्स की उनको क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिक कीज बोलते हैं। नंबर कीज आर फॉर्म, नंबर कीज किस फॉर्म में दी जाती है, 0 to 9। की हैव डिफरेंट फंक्शन, कौन से डिफरेंट फंक्शन में वर्क करता है, फंक्शन कीज। जनरली कीबोर्ड आर अवेलेबल इन टू 2 मॉडल। ए कीबोर्ड हैज़ 2 एंटर की, स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। टिक द करेक्ट आंसर। ए कीबोर्ड लुक लाइक अ टाइपराइटर, कीबोर्ड किसकी तरह दिखता है, टाइपराइटर की तरह। वी राइट एंड वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेटिक कीज, वी राइट लेटर्स एंड वर्ड विद द अल्फाबेटिक कीज। नंबर कीज 0 to 9 आर लोकेटेड एट, दो जगह नंबर कीज रहता है, एक तो आपके फंक्शन कीज के ऊपर और एक आपके राइट साइड में, दो जगह फंक्शन कीज के ऊपर एंड आपके एक राइट साइड में रहता है, दो जगह कीबोर्ड में नंबर की दिया रहता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, सबसे बड़ी लॉन्ग की कौन सी है, स्पेस बार की। फिर देखिए व्हाट इज़ अ कीबोर्ड, तो आप व्हाट इज़ अ कीबोर्ड में आप ये भी लिख सकते हैं, ए कीबोर्ड लुक लाइक अ टाइपराइटर, इतना भी लिख सकते हैं या और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ अ कीबोर्ड, कीबोर्ड पूछ रहा है क्या है, तो कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह दिखता है जिसमें हम बहुत सारी जानकारियाँ फीड करते हैं। तो ए कीबोर्ड लुक लाइक अ टाइपराइटर विच कंटेन्स कीज टू फीड इंफॉर्मेशन। ओके, इस कीबोर्ड एन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी तरह की कीज होती हैं, तो कीबोर्ड में दो तरह की कीज होती हैं, एक लेटर और एक नंबर, एक स्पेशल कीज एक फंक्शन कीज, है ना। स्पेशल कीज में आपका कंट्रोल कीज आ जाता है, एरोस कीज आ जाता है, कैप्स लॉक कीज आ जाता है। ओके, फिर देखिए विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ठीक है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, स्पेस बार की, सबसे बड़ी कीज क्या है, सबसे लंबी कीज कौन सी है, स्पेस बार की। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड, है ना, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट कीज, तो क्या उसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज। हाउ मैनी नंबर्स कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड, नंबर कीज और न्यूमेरिक कीज, या तो आप नंबर्स कीज कह सकते हैं या उसको न्यूमेरिक कीज बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर एक बार हम फिर से आपको पढ़ के बताते हैं। व्हाट इज़ अ कीबोर्ड, ए कीबोर्ड लुक लाइक अ टाइपराइटर विच कंटेन्स कीज टू फीड इंफॉर्मेशन, इस कीबोर्ड एन इनपुट डिवाइस और एन आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड, नेम सम ऑफ देम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड, जैसे मैंने बोला लेटर और नंबर, तो लेटर किस में होता, अल्फ़ाबेट कीज में ना, उसी में तो हम करेंगे, तो आप लेटर नंबर्स भी लिख सकते हैं या अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ाबेट या नंबर भी राइट कर सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं, तो अल्फ़ाबेट या नंबर्स कीज एंड स्पेशल कीज। विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, स्पेस बार की। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड, अल्फ़ाबेटिक कीज। हाउ मैनी नंबर्स कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड, नंबर्स कीज एंड न्यूमेरिक कीज। ओके, फिर बच्चों आपको इसको लर्न करना है, लर्न करने के बाद हम इसका नेक्स्ट डे टेस्ट लेंगे। ओके, नेक्स्ट डे टेस्ट लेंगे, टेस्ट आपका नीट एंड क्लीन राइटिंग में होना चाहिए,
जिससे आपको और मुझको समझ में आए। ओके, अच्छे से लर्न करिएगा। तो सुन लीजिए एक बार और कि कीबोर्ड किसकी तरह दिखता है, एक टाइपराइटर की तरह। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, 100 to 104 कीज। ओके, कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं, अल्फ़ाबेटिक की, न्यूमेरिक की, फंक्शन कीज एंड स्पेशल कीज। ओके, सो समझ में बात आई, आपको इसको चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है। ओके, और हम नेक्स्ट डे टेस्ट लेंगे। ओके बच्चों, घर पे रहिए, सेफ रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू।